सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे किंग भाई के बारे में। तो अभी एक वीडियो बहुत वायरल चल रहा है, तो आप लोग जानते हो डिवाइन भाई और किंग भाई दुबई में गए थे शो करने। तो उधर किंग भाई स्टेज के सामने डिवाइन भाई का ट्रैक पर वाइब कर रहे थे, तो आप लोग वीडियो देख लो। तो आप लोगों में से अगर कोई भी इस चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना ताकि आप तक ऐसा डेली हिप हॉप का अपडेट जाते रहे। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे बेला भाई के बारे में। तो बेला भाई एक स्टोरी डाले थे, तो आप लोग देख सकते हो स्टोरी पे लिखे थे आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि मैं उस जनरेशन में हूँ जहाँ रफ्तार म्यूजिक, इक्का म्यूजिक, ऑफिशियल रागा, सिद्धू मूसेवाला, विवियन डिवाइन, हेमी ओबंटा, द राजा कुमारी, आई फील किंग, उजी म्यूजिक, सिधेमा, रावल, भर्ग, बिग स्माइल, पैराडॉक्स, ग्रेविटी, एक्सीवर्ल्ड, कलमिंग, सिकंदर कालो, डीनो जेम्स, एमसी अल्ताव, सारे आर्टिस्ट के अकाउंट को मेंशन करे थे और लिखे थे माफ करना कोई जल्दी जल्दी में रहा हो तो, लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप सब एग्जिस्ट करते हो। वी ऑल मेड दिस बी, कोई हो या ना हो हम एक दूसरे के साथ है। गॉड ब्लेस इंडियन हिप हॉप विथ मोर सच ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। और इसके साथ ही आपको बता दूं एक्जी ने भी एक स्टोरी लगाई थी, आप लोग देख सकते हो। उनके तरफ से जो अगला ट्रैक आने वाला है वो हम लोगों को बेला भाई के साथ कोलैब ट्रैक देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे कलमिंग भाई के बारे में। तो कलमिंग भाई का जो ट्रैक आया था जिंदगी, वो ट्रैक वायरल सॉन्ग्स इंडिया के चार्ट पे 80 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कलमिंग भाई को। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे कलमकार म्यूजिक का आर्टिस्ट दीप कलसी भाई के बारे में। तो दीप कलसी भाई अपने एक फोटो डालते हुए कैप्शन पे लिखे थे ऑल बम्स हैशटैग टनल विशियन, जो की एक तरीके से होता है एल्बम। तो शायद दीप कलसी भाई की तरफ से हम लोगों को कोई एल्बम देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। सो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।